आप दोनों आज दोनों से इसलिए सवाल कर रहा हूँ, ये क्यों होता रहा है हर दौर में कि मॉर्निंग शो होस्ट को लेके बड़ी कंट्रोवर्सीज होती हैं, लोग बड़े जजमेंटल होते हैं, कोई आप अच्छा काम कर दें थोड़ी तारीफ जरूर आती है लेकिन क्रिटिसिज्म भी आता है, और कोई गलती खुदा ना खास्ता हो जाए इंसान से हो जाती है तो लोग ऐसे पीछे पड़ जाते हैं कि बस वो फतवे निकल आते हैं, मुख्तलिफ चीजें होती है, एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। आई थिंक हैंड्स एंड दोनों ने आपने फेस किया ये चीज, हैंड्स एंड ग्लव्स है। आप जब कोई काम करते हैं हर चीज की कॉस्ट होती है लाइफ में, भूखा रहने की कॉस्ट है फिटनेस, तो इसी तरह हर चीज की कॉस्ट होती है आप जो काम करते हैं उस पे, और लोग तो people are bad, नहीं तो stress नहीं होता, mental stress, the way even you lift your spoon, तो वो तो especially live show होता है, हमारे अंदर संदिग्ध तुम मैं हम कोई बात कहते हैं तो उसको ऐसे पकड़ा जाता है बहुत ज़्यादा, I think more than others, कुछ ज़्यादा, especially जब live show हो रहा होता है तो कई दफा ऐसी चीज होती है जो आपके ध्यान में नहीं हुई, आपने फ्लो में कह दी और उसका कोई वो इंटरप्रिटेशन लोग गलत निकाल लेते हैं, तो उसको उस वो स्ट्रेस हर वक्त का लाइव शो का, फिर उसके बाद अगर प्रेशर तो बहुत होता है, प्रेशर तो सोचें एक होस्ट होने का क्या, एक्टर होने का या कोई भी थोड़ा भी अगर आपके पास फेम है तो फेम आपको प्रेशर देता है। आप देखें हम जाते हैं ग्रोसरी करने, लोग पूछते हैं अच्छा आप ऐसी हैं, आपकी तबीयत ठीक है, अच्छा आप मतलब क्या हो गया भाई ग्रोसरी, हम बहुत दुबली हो गई है, डायबिटीज तो नहीं हो गई, लेते होंगे उस वक्त भी हमें प्रेशर है कि ओ आप बहुत अच्छा तैयार होके निकले भाई ग्रोसरी करने जा रहे हैं, ताकि कोई दूसरा देख के आपको ये ना बोले अच्छा टीवी में तो ये ऐसी नजर आती है असल में तो ये ऐसी है। तो प्रेशर तो हर चीज का होता है, प्रेशर तो आपको ये भी है कि वो अच्छा आप एक खातून है जो एक्सपोज है नजर आती है स्क्रीन पर आपके बारे में, नास्टिक मैं कुछ भी बोलूं मेरे पास लाइसेंस, मैं आपकी लाइफ के बारे में कुछ भी उठा के बोल दूं। हाँ असल में पता है पहले नहीं होता था, पहले खत आते थे ईमेल्स आती थी तो लोग ना तमीज के दायरे में रहते थे, अब जैसे ही वो बंदर के हाथ में माचिस वाली बात कि कमेंट्स करने का उनको मिल गया, जब सामने आते हैं इतनी अच्छी तरह मिलेंगे, लेकिन जब कुछ कमेंट्स करते हैं तो कुछ कुछ लोग बहुत क्रूर हो जाते हैं, इसीलिए क्योंकि उनको पता है कि उनको कोई देख नहीं रहा। हाँ एक रीजन मुझे लगता है ये भी होती है कि आप हफ्ते में 5 दिन स्क्रीन पर आ रहे हैं, ढाई घंटा सुबह कंज्यूम कर रहे हैं स्क्रीन टाइम, रात को रिपीट हो रहा है, यू बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली और लोग फैमिली का पार्ट बन जाते हैं। देखो लोग उसी के बारे में वीडियो बनाते हैं जिसका इंटरेस्ट हो और व्यूज आएंगे और लाइक्स आएंगे और जो भी आएगा, ये व्यूज और लाइक्स तो अब हमारी कोई बात होती है वो तो लोगों ने वो जरूर पढ़नी है देखनी है सुननी है सारी वीडियो, हर शायस्ता ने नादिया के बारे में निदा के बारे में क्या कहा, मैंने निदा शायस्ता के बारे में क्या क्या, तो वो एक इंटरेस्ट। और एक ये भी बड़ा एक माइंडसेट है कि लोगों को लगता है जो भी मॉर्निंग शो होस्ट है इनकी आपस में नहीं बनती, ये आपस में एक दूसरे को, वो लोगों को लगता है लोगों को परसेप्शन ऐसा बना दिया गया है, और ना आज यहाँ बैठी नहीं होती तो क्योंकि मेरे शो पे आएंगे तो वो बुन्ने उसके शो पे आए थे वो ये कह रही थी तुम्हारे लिए, ओहो हाँ है ना सबसे बड़ी पापा कुटनिया तो हमारे अपने मेहमान होते थे जो लगा रहे होते थे ना कुछ, कभी ऐसा होगा कोई इंसिडेंट फिर तुम लोगों ने आपस में क्लेरिफाई, बहुत सारे लोग हमारे अपने इंडस्ट्री के दोस्त बहुत सारे लोगों ने आके इनके शो पे जाएंगे कुछ और कहेंगे, मेरे शो पे आएंगे उनके शो पे जाएंगे, तो ये आपस में चलता है। आता था जब किसी ने कहा नादिया ने ये कहा है तुम्हारे बारे में, इंसान गुस्सा आता था, बहुत गलत भी लगता था और जेलेसी भी आती थी फ्रेंकली, क्योंकि आपको बताया जिस तरह जा रहा होता था, हम इंसान है आप फरिश्ता तो नहीं है ना, आप बैठे हुए हैं, कंपटीशन ये है कि एक ही टाइम स्लॉट है और आपको ये रेसिंग की जो जंग है रेटिंग की तो उसमें हो जाता है। नादिया आप जेलस होती थी कभी कोई आके बोलता था शाइस्ता ने ये कहा है, मुझे रोजा लग रहा है मुझसे सवाल नहीं करो, नहीं सच बताना है रोजे में सच बता दिया ना, नहीं ये नादिया ने क्या मतलब कि तुम्हें किसी ने आके बोला भाई शाइस्ता ने ये बोला आपके बारे में गुस्सा आता था, बिल्कुल आता था, एक तो ये कि हम लड़कियां हैं और लड़कियों के जो हॉर्मोन्स होते हैं वो होते हैं कि हम लोग गुस्से में आ जाते हैं, और मैं हूं भी इंपल्सिव बिल्कुल तब चढ़ती है क्योंकि आप कम्पीट कर रहे हैं और चैनल्स की तरफ से प्रेशर है, फिर आपको जो गेस्ट आके चढ़ा रहा है और वो बोल रहा है आपको बिल्कुल होता है, एंड आई थिंक आई वाज वेरी इमैच्योर, हमारी एज बड़ी यंग थी उस वक्त जब हम शो सो के, मुझे याद है कि नादिया की अम्मी की डेथ हुई और यानी इतना बीच में डर्ट आ चुका था कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कंडोलेंस के लिए कैसे कॉल करूं, और मैं खुद एक बेटी हूं और मुझे अंदाजा है कि क्या वक्त होता है वो एक बेटी पर, एक ऐसी बेटी जो ऑलरेडी इतने इमोशनल टर्मोइल और चीजों से गुजर, तो वो उसको लगता है ऊपर नीचे सब चला गया और मैं कॉल करना चाहती थी लेकिन मेरी हिम्मत समझ में नहीं आता था कि मैं क्या अल्फाज, मतलब मुझे उस वक्त लगता था मैं
मैंने कॉल बड़ी हिम्मत करके की थी और मैं मुझे बहुत अच्छा लगा था, मुझे बहुत अच्छा लगा शाइस्ता ने जब कॉल की, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। तो और लोग हैरान होंगे कि हम अक्सर मिलते हैं और हम जब बैठते हैं इतनी बातें करते हैं ना, ऐसे मजा आता है, बहुत सारी बातें और हम लोगों की एक अजीब बताऊं टाइम एंड स्पेस में। मेरी और शाइस्ता के अप एंड डाउन जो लाइफ में आए ना ऑलमोस्ट साथ साथ, चाहे वो डिवोर्स हो, बच्चे बड़े हो रहे हैं, शो के मसाइल, बच्चों के प्रॉब्लम्स, दूसरी शादी चीजें, ये हमारे बहुत टाइम एंड स्पेस में कुछ अजीब सिमिलैरिटीज हमारी लाइफ में, इसलिए हम जब भी कहीं बैठते हैं तो हम जो पटाखा बातें शुरू करते हैं ना, आहा मजा आता है, दिल हल्का कर। बिल्कुल देखिए रमजान स्पेशल शो लाइव ग्रीन है आज शाम 5 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।